नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री छोटू वसावा, गुजरात प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और पिछले 5 बार से लगातार यहाँ से विजयी हो रहे। आपने पिछले जो मतलब 25 वर्षों में कैसा बदलाव देखा, क्योंकि दावा तो दोनों पार्टियाँ कर रही हैं कि आदिवासियों को बड़ा विकास हुआ, लेकिन हकीकत सर क्या है? हमारा विकास नहीं हुआ है, आदिवासियों का विनाश हुआ है जी। दोनों पार्टी कर रही हैं, इसलिए हम लड़ते हैं, लड़ते जाएंगे। इतनी बड़ी समस्या हमारी है गुजरात में, बड़े बड़े डैम बना दिए हैं और हमारी जमीन भी छिन गई है, बड़े उद्योग भी आ गए हैं इधर, हमको कोई फायदा नहीं हुआ, होने वाला है ही भी नहीं। जो भारत सरकार ने इसके बाद जो वनाधिकार कानून बनाया, कई चीज़ें हुई, उसका जमीनी स्तर पर क्या असर? भारत के संविधान में जो प्रावधान किया है जो 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल जो एक कानून बना है पेशा, उसको भी अभी तक लागू नहीं किया है जी। जब तक कानून नहीं लागू करते हैं तब तक हमको कोई फायदा होने वाला नहीं। तो पिछली बार ये बार बार जगह जगह जो हम इशारे देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने पिछले 11 साल बहुत काम किया है, आपके इलाके में कितना काम? कोई काम नहीं किया है, उद्योगों का काम किया है उद्योगपतियों का, हमारा कोई काम नहीं किया, हमारा विनाश हुआ है। तीसरी ताकत जो है वो क्यों यूनाइट नहीं हो पाई? क्या आपको लग रहा है सर कि केशुभाई पटेल जो है वो कहीं कुछ असर डाल पाएंगे चुनाव पर? वो पटेलों का जो वोट है वो अभी तक बीजेपी को मिलता था, अब नहीं मिलने वाला है। आप इन लोगों के बीच रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो मुख्य रूप से हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी आदिवासियों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? हमारी बड़ी समस्या तो शिक्षा की है जी। हमारे कम्युनिटी में शिक्षा नहीं है, गुजरात में एक भी आदिवासी यूनिवर्सिटी नहीं है जी। पढ़ाई नहीं है, इसलिए हमको कुछ पता नहीं चलता है। खेती भी नहीं है हमारे पास जी। हाँ, सिंचाई नहीं है, पानी नहीं है, डैम बड़ा बड़ा बना है, पानी दूसरी जगह पर चला जाता है, हमको कुछ मिलता नहीं है। खासतौर पर जब बातें उठ रही हैं, जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी का भी आपने देखा होगा, तो इनके जो वायदे हैं, जो पहले जो जो वायदे किए गए हैं, क्या पूरे किए गए हैं? कोई वायदे अभी तक पूरे तो नहीं किए हैं जी, करेंगे भी नहीं। क्यों सर? दोनों की पॉलिसी एक ही है, उसको गरीब करके रखो, राज करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल आ गई गुजरात में, हमारी जमीन चली गई, हमारा कैसे डेवलप होगा? जैसे आपने कहा हैंग असेंबली आ सकती, वहाँ बहुत निर्णायक होंगे वहाँ। फिर आपका, अगर हम आपसे पूछें कि 1, 2, 3 में आप क्या क्या खास तौर पर मुद्दे रखना चाहेंगे? हम पहला मुद्दा तो रखेंगे वो हमारा शिक्षा का, मतलब आदिवासियों के विकास से जुड़े। हाँ, विकास का जी, जो उसकी जमीन चली गई है वापस करें जी, जंगल की जमीन जो नहीं दी गई है वो दे देवे।